नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर.के और आप देख रहे हैं आर.के ट्रेडिंग तारीख है दोस्तों 23 नवंबर 2023 समय 9 बजकर 13 मिनट 32 सेकंड हो रहा है और मार्केट देखिए निफ्टी या बैंक निफ्टी देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट ही ओपन हो रहा है कहीं कुछ खास नहीं कल जस्ट क्लोजिंग के जस्ट में और वो बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है आज इसका एक्सपायरी है तो ये भी जस्ट अपने हाई के आसपास में ही कल का हाई के आसपास है ठीक तीन पॉइंट्स ऊपर ओपन हो रहा है क्लोजिंग बेस पे सोलह पॉइंट ऊपर हो तो अभी कुछ करना नहीं है इसमें थोड़ा सा समय लगेगा आज इसका एक्सपायरी है निफ्टी का और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ऊपर के साइड में अगर भागना स्टार्ट करे पाँच के ऊपर टिके तो नहीं तो वापस अगर तीन और दो पचास के आसपास आता है तभी लेंगे नहीं तो कोई फायदा ऐसे नहीं है है ना अभी मामला गड़बड़ है और ही देखिए इस एरिया के ऊपर निकलने पर ही एंट्री बनेगा और टेन ए की स्ट्रेटेजी पे हम लोग फिर से आज ट्रेड करेंगे कल जैसा कि आपने देखा कि कोल इंडिया में कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ कुछ नो प्रॉफिट नो लॉस ट्रेलिंग असल जो है कॉस्ट टू कॉस्ट वाला हट गया तो ये ट्रेलिंग असल तो ट्रे था ठीक तो तीज तो है ना तो ट्रेलिंग असल था वो कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया एंट्री प्राइस तेन सौ तैतीसठग तीन सौ तैतीस सत्तर ने किया था ना ये तो गड़बड़ है ना ये तो गड़बड़ एंट्री प्राइस तैतीसठ और ये तीन सौ था सॉरी तीन सौ तैतीस साठ ऐसा ट्रेल करके यहाँ पे ले आया था आप कल वाला वीडियो देखेंगे तो ट्रेल एसल ये गलत तीजिय लिखा गया था ट्रेल एसल हो गया था और कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया था इसमें कुछ मिला नहीं था चलिए कोई दिक्कत नहीं अब हम लोग वेट करेंगे और देखते हैं हालांकि बाद में आया कोल इंडिया काफी अच्छा से नीचे आया हम लोग के टारगेट की तरफ गया देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है ऊपर ठीक उसके पास में रेशन रहता है तैतालीस पांच सौ के ऊपर क्लोज करेगा तभी मामला जमेगा अदरवाइज छोड़ देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है थोड़ा वेट कर लेते हैं, और देखते हैं अभी क्या सिचुएशन बनता है वेट करते देखिये तैतालीस पांच सौ के ऊपर रुकने का कोशिश किया है तो अभी तो हम लोग नौ बज के पचपन मिनट पर ट्रेड करेंगे ना आ उस पर टेन एम की अभी एक छोटा सा कॉल लिया तैतालीस छः सौ का ये तैतालीस पांच सौ के ऊपर सस्टेन करने का कोशिश तो कर रहा है अगर ये सस्टेन करता है तो मुझे एक मोमेंट सुबह का एक प्रॉफिट बोहनी जिसको बोलते हैं ना वो बोहनी हो सकता है अदरवाइज एक छोटा सा ऐसा लेके निकल जाएंगे अभी एक वेट कर रहा हूँ तैतालीस पाँच सौ के ऊपर जब तक रहेगा ये रजिस्ट्रेन कल का है पाँच सौ दस सत्रह ये वाला और आज का है 517, सौ सत्रह सौ दस सत्रह ठीक है तैतालीस पांच सौ के ऊपर ठीक है इसके ऊपर रुकेगा तो एक प्रॉफिट बन सकता है अभी देखते हैं, निकलना चाहिए ऊपर 520 सौ बीस के ऊपर एक बार निकले तो 550 सौ पचास से साठ तक जाने की कोशिश करेगा देखिए जा रहा तो मेरे ख्याल से तैतालीस छह सौ लिया हुआ ना थोड़ा सा दूर कर ले लिया क्या खैर ऐसे कोई बात नहीं है काट भी सकता नहीं तो देख लेते हैं दो तीन मिनट दो तीन मिनट देख लेता हूं उसके बाद हम लोग तो दस बजे करेंगे नौ बज के पचपन मिनट वाली जो कैंडल है हिंडाल को ही रहेगा स्टॉक्स वापस से हिंडाल को ही आज वाला में रखेंगे हम लोग हिंडाल को यहां लिख देता हूँ तेईस ग्यारह तेईस तेईस हिंडालको ठीक है हिंडाल को पे ही करेंगे तो हिंडालको को वेट करेंगे यहाँ तैतालीस पांच सौ पे बहुत अच्छे से रुक रहा है बहुत बढ़िया से रुक रहा है अगर ये रुकता है तो अच्छी बात है इसके ऊपर एक ऑर्डर लगाते हैं इसके ऊपर निकालता है तो ठीक है एक ऑर्डर टिकर और हो जाएगा एक क्वांटिटी बढ़ जाएगा नहीं तो अभी छोटा सा एक तैतालीस पांच सौ यहाँ फिर रुक रहा है कोशिश कर रहा है बंदा रुकने का सस्टेन <coughs> कर जाए तो अच्छी बात है नहीं करेगा तो गिरेगा 550 पचास ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए थोड़ा सा वही खबर उबर आ जाता है बीच बीच में बैंक से रिलेटेड तो मामला गड़बड़ा जाता है सीडीएसएल में अकाउंट की संख्या कितना हो गया दस लाख के दस करोड़ सी देखिए अच्छा है तीन परसेंट की तेजी है वाह जबरदस्त जबरदस्त और कल का रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है सी ये रेजिस्टेंस था उसके पास में से चल भाई बैंक निफ्टी कुछ निकालो ऊपर मूवमेंट देखिए ये नहीं जा रहा है बैंक है ना तो एक छोटा सा जो है वेट कर लेते हैं तो खास ऐसे दिक्कत नहीं है अभी क्या इसके टर्मिनल में प्रॉब्लम है क्या ये अभी मुझे नहीं करने दे रहा है देखते हैं। अब थोड़ा सा नीचे पांच सौ पांच कोई खास मामला नहीं है टू एट्टी इसको मुझे दस बजे देखना है उसको ट्रेड करना है तो इसलिए अभी बहुत टाइम है देखिए ये नीचे आ गया चार सौ पचासी तुरंत से रजिस्ट्रेशन लिया तो यहाँ पर हम लोग इसको ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं आ, ये वाला जो है चलिए आपको पोजीशन देखिए तीन सौ चौरासी को खास कहते हैं तीन सौ अड़सठ तीन सौ चौरासी चार सौ नौ चार सौ वेट करने की कोशिश कर रहा है वेट करने का कोशिश कर रहा है और चार सौ बहत्तर चलिए देखिए क्या नीचे आता है वापस चलिए वो एक ऑर्डर जो है उसको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ ये जो एक ऑर्डर पेंडिंग लगा रखा है ना इसको मैं यहीं पर एड कर लेता हूँ करेंट भाव पे अब मेरे यहाँ पे दो लॉट हो गए ठीक है चलिए चार्ट पे चलते अभी हम लोग हिंडालको पे करेंगे आज फिर से 10 एम की स्ट्रेटेजी हिंडालको अभी उसका वेट करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे मेरा दो लॉट हो गया है तो इसमें मुझे अभी दो वगैरह का अट्ठावन का लॉट चला तो वेट करते चले चलिए मैंने जो एड किया था वो तो ठीक ही अभी आप लोग का भी यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन ही रहेगा आज का और देखिए जो एड किया था नीचे वो प्रॉफिट में देखिए पोजीशन वही है ना करेंट भाव पे ऐड कर लिया था ना तो उसका एक बोनी मिल गया है एक अच्छा खासा बॉनी मिल रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी तैतालीस सौ के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो अच्छी बात है सस्टेन कर रहा है तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है। और यहाँ पर तैंतालीस छह सौ छह सौ पचास का प्रॉफिट चल रहा है सात सौ के तो एक लॉट जो नीचे वाला है ना उसको बुक कर लेता हूँ ठीक है एक लॉट बुक कर लिया तो देखिए एक लॉट जो निकला तो बुक कर लिया उसको तीन सौ तैंतीस तक तो कोई लेके नहीं जा सकता है। और बाकी दूसरा चल ही रहा है तो उसको चलने देते हैं ठीक है अब इस एक लॉट के तरफ ध्यान नहीं देना है दोस्तों इसमें क्या करेंगे ना हम एसल लगा के छोड़ देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट दो सौ अंठावन रूपए या दो सौ साठ रूपये के आसपास में एक लॉट का दो सौ साठ ना दो सौ साठ का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके छोड़ देंगे आया तो ठीक है कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है एक लॉट का ऐसे ही प्रॉफिट बुक है दूसरा हमें कुछ दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर से ना तो कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया है और तैतालीस पांच सौ का कॉल ऑप्शन मैंने आप लोगों को भी दिया है और ये तीन सौ पचास के ऊपर गया है एग्जैक्ट उसी के आसपास हुआ है अभी टाइम है देखते हैं तैतालीस पांच सौ तीन सौ पचास के ऊपर पांच तो इस अगर तो एक अच्छा लेवल फिर आपको लगभग सात सौ तक छह सौ पचास तक का फिर अगला टारगेट बन सकता है 600 सौ छह सौ पचास तो फिलहाल वेट करते हैं और हिंडालको पे नौ बज के पचपन मिनट वाली कैंडल पर नजर रखेंगे देखिए ये बैंक निफ्टी जो मैंने आप लोगों देखिये तीन पे दिया संतावन हो चुका है मेरा भी एक का प्रॉफिट दिखे बढ़ के चौदह हो गया हो गया तो ये ठीक ठाक चल रहा है कोई दिक्कत नहीं तो अब इसको मैं यहाँ से कैंसिल करके इसका भी प्रॉफिट बुक कर लूंगा देखिए ये मैंने कर लिया प्रॉफिट बुक अब मेरा सुबह का बोनी हो गया सात सौ चौरासी रूपये है ना तो ये तो हो गया ये तो हो गया चलिए अच्छी बात है बेरासी और ये हो गया आपका तीन तो देखिए बैंक निफ्टी का जो है आपको जो कॉल ऑप्शन दिया बैंक निफ्टी तीन सौ सी हाई हो गया तीन का लगाया नहीं लगाया थोड़ा थोड़ा बीच बीच में प्रॉफिट बुक करना चाहिए देखिए प्रॉफिट बुक करने में शरम नहीं करना चाहिए क्योंकि शरम करने से क्या होगा कर्म फूट जाएगा ना जो करे शर्म उसका फूटे कर्म टाइप का हो जाता है प्रॉफिट बुक करने में कोई शर्म नहीं थोड़ा थोड़ा बुक करना है सारा नहीं समेटना है मार्केट में कि एक बार हम सारा समेट लेंगे आज ऐसा नहीं होगा ना आराम आराम से जाएगा धीरे धीरे जाएगा थोड़ा थोड़ा आपको क्वांटिटी लेना पड़ेगा तिधर का काम हो ही गया <coughs> मैं शाम में कोई स्क्रीन पोस्ट नहीं करता मेरी आदत नहीं है खाली स्क्रीन पोस्ट करने का मेरा जो भी है सामने में दिखता है भाई सामने में मैं लेके दिखाता हूँ करके दिखाता हूँ मैं आपको नहीं बोलता हूँ आप करिए कोई जरूरी नहीं है अपना ट्रेड करिए लेकिन अपने डिसिप्लिन से फोटो दिया था ना ट्रक देखिये ट्रक रिक्शा ये सब के पीछे एकदम तो पूरा गीता ग्रंथ लिखा रहता है क्या था लिखा हुआ दम है तो बर्दाश्त कर वरना दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर मार्केट की वॉलिटिटी यही बोलता है ये छः अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आता है तो ट्रेड करिए नहीं आता है तो वेट करिए छोड़ दीजिए मार्केट ने इनवाइट नहीं करता है लोगों को कि आओ तुम ट्रेड करो चलिए वेट करेंगे अभी समय हो रहा है नौ बज के छब्बीस मिनट बावन सेकंड वेट करते हैं हिंडालको का नौ पचपन वाली कैंडल जो कि दस बजे कंप्लीट हो जाएगी तो टेन ए एम की स्ट्रेटेजी से आज हम लोग फिर देखेंगे हिंडालको में ठीक है कल ट्रेलिंग एसल कोल इंडिया में कट गया तो कॉस्ट टू तो कॉस्ट को नहीं हुआ था कुछ भी लेकिन प्रॉफिट बाद में हुआ सारे टारगेट आ गए थे लेकिन हम लोग एग्जिट कर गए चूंकि ट्रेलिंग एसल कट गया था तो अभी हम लोग हिंडालको पे वेट करते हैं कहा गया हिंडालको यहाँ देखिये ठीक है तो दस बजे वाली कैंडल पे देखेंगे अभी समय नौ बज के तैतीस मिनट छत्तीस सेकंड हुआ इसको तो अच्छा हम लोग हिंडालको नजर देंगे और बैंक निफ्टी ने शानदार ऊपर का हाई तीन सो सत्तर तक का मार पचहत्तर हो गया देखिये तीन सौ पचहत्तर का हाई मार दिया ओहो हो तीन सौ पचहत्तर है ना बैंक निफ्टी तैतालीस पांच सौ सी हाई हो गया तीन सौ पचहत्तर फिर भी लोग उंगली नीचे टेढ़ा करते बताइए लोग तो एक पति के तरह बिहेव करते हैं जैसे पत्नी के किसी भी कामों से पति जल्दी खुश नहीं होता है इसी तरह है ये सब विवर तुरंत उंगली डाउन हो देगी ये है हिसाब है ना क्या बताइए तीन सो बासठ पचासी हो गया तीन सौ पचहत्तर तीन सौ पचहत्तर का हाई मार गया तैतालीस पांच सौ का कॉलर तीन सौ अच्छा, अठहत्तर पंचानवे हो गया देखिए तीन सौ अठहत्तर हो गया लिखते जा रहा हो बाहर आते जा रहा है हाय तीन सौ अठहत्तर हो गया हाय बैंक निफ्टी तैतालीस पांच सौ सी तीन सौ अठहत्तर <स्थार> जो प्रॉफिट बुक नहीं करते जो प्रॉफिट बुक नहीं करते वो क्या करते दोस्तों लास्ट में लॉस बुक करते है याद रखिये हाई हो गया तीन देख रहे कितना ऊपर गया ना और तीन सौ अठहत्तर का हो गया कहने का मतलब है लगभग लगभग 380 राउंड नंबर पकड़ के अगर चले तो, तो प्रॉफिट आप बुक नहीं करेंगे तो क्या घर जाके करेंगे नहीं ना तो बुक तो करना ही पड़ेगा चलिए बढ़िया ठीक है अपना हो गया वो लास्ट में क्या करते हैं लॉस बुक करते हैं अब उनकी मर्जी उनका जो अच्छा मन करे आ गया ये अपना रेजिस्टेंस अभी भी पचास पॉइंट का गैप है रेजिस्टेंस कंप्लीट करने में और मैं तो निकल गया था प्रॉफिट लेके आपको पता ही है, मैं तो तुरंत से दो लोट में निकल गया अपना काम भी फिनिश कर लिया कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा दो सौ पंचानवे ओवरऑल निकला और मेरा कर वो अगर नहीं निकलता तो भी कितना चलता तीन सौ दस चलता दस पंद्रह पॉइंट और आते कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है बढ़िया चलो नौ नो छत्तीसवा हमें तो नौ पचपन वाली कैंडल पे ध्यान रखना है और अडानी पोर्ट ना अडानी पोर्ट ऊपर गया है 802 का हाय लगा लगभग 800 सौ ऊपर ठीक है 800 सौ ऊपर क्या कोई खराबी नहीं दिख रहा है ठीक ठाक है अभी सी तो आज शानदार चल रहा है भाई मतलब गजब का इसका इसका अकाउंट जो खुल रहा रहा है है ना वजह से सब बढ़ता जा रहा है। बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर बिरानवे चौरानवे ठीक है <laughs> चलिए भाई पैतालीस 500 सौ पचास पॉइंट का गैप है भाई छह सौ पहले आपको बोला था यहाँ पे एक बार 600 सौ पे रुकेगा और उसके बाद छह सौ पचास तो छह सौ पे एग्जैक्ट रुक रहा है तो अपना काम यहाँ से हो गया और याद रखिए इस लाइन को जो प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं याद रखिए तो आप कौन किस प्रकार के ट्रेडर हैं प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं हैं या लॉस बुक करने वाले हैं? वो डिसाइड करिए करिए आप है ना स्वयं विचार हम तो लोगों का हिंडल को अभी ठीक है नौ पचपन से दस बजे से स्टार्ट होकर जो दस बजे कंप्लीट था है उसके हेंडल पर नजर रखेंगे अभी टाइम लगेगा समय हो गया दोस्तों नौ बज के बावन मिनट चालीस सेकेंड और हिंडालको में अब कैंडल जो है नौ पचपन वाला स्टार्ट होगा इसके बाद और वो दस बजे कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग उसी कैंडल पर ट्रेड करेंगे टेन ए एम की स्ट्रेटेजी से हिंडालको का ये ग्यारह प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा मूवमेंट रहता है इसके वजह से हिंडालको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे नौ पचास इसके बाद जो कैंडल बनेगा उस पर उस पर देखेंगे उसका क्या काम होता है ना अभी फिलहाल बस मजा लीजिए एंजॉय करिए और कुछ नहीं करना है वेट करते हैं समय लगेगा देखिए इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग इम्पोर्टेंस क्यों हो जाता है इम्पोर्टेंट आपको ये अस्सी का हाई लगा दिया तैतालीस सौ का जो मैंने कॉल ऑप्शन आपको दिया था इसने तीन सौ अस्सी का हाई लगाया और मैंने फर्स्ट टारगेट आसपास तीन सौ पचासी का था यानी पांच पॉइंट से रहा तो इसको अब आप प्रॉफिट टारगेट मानेंगे नहीं मानेंगे वो आपकी मर्जी लेकिन प्रॉफिट बुकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो फिर लॉस बुक करना पड़ेगा ना लास्ट में कोई उपाय नहीं बचता ना संसारिक मोह माया से फंसे रह जाएंगे और बर्बाद हो जाएगा जीवन तो खैर चलिए कोई बात हम लोग वेट करेंगे इस समय नौ बजकर सत्तावन मिनट तिरपन सेकेंड हो रहा है दोस्तों और लोग वाला जो कैंडल है अब रेडी हो रहा है धीरे धीरे के के सेलिंग एंट्री जो लोग नए विवर है नहीं जान रहे हो कि क्या है टेन ए एम की स्ट्रेटेजी इस पर मैं ट्रेड करके दिखा रहा हूँ तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जाके देख लीजिए वहां पर आपको पता चल जाएगा टेन ए एम की स्ट्रैटेजी क्या है डिटेल में और उसके बाद आप इसको समझ पाएंगे तो पूरा डिटेल में वहां पे स्ट्रेटेजी बताया हुआ है ये एक डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी है क्या है डिसिप्लिन वो आप उस वीडियो को देख के ही पता कर पाएंगे जान पाएंगे पूरे तरीके से क्या बेनिफिट होता है डिसिप्लिन ट्रेडिंग का क्या लॉस होगा डिसिप्लिन ट्रेडिंग का देखिए बैंक तैतालीस छह सौ चौबीस चला गया कितना शानदार रैली आया है? है ना और यहाँ पे देखिये तीन सौ पचास का हाई लगा दिया तो फर्स्ट टारगेट तो ऑलरेडी डन हो गया बैंक निफ्टी तैतालीस सौ का सी जो है हाई हो गया चार सौ पंद्रह फाइनल टारगेट दिया था और ये आ गया चार सौ दो हाई चार सौ दो अब अब बताइए क्या किया जाए शानदार काम हो गया मस्त हो गया प्रॉफिट बनते हैं बसते आप मैंने कहा था 650 इसका एक रेजिस्टेंस है 600 और 650 बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस एरिया है तैतालीस छह सौ तो वो दोनों एरिया को ये क्लेम कर चुका छह के पास में भी रुका और हाई मार गया छे सौ तैतीस लगभग छह सौ पचास वाला काम हो गया तो अब यहाँ पर एक छोटा सा और हर्डल है देखिए और हम लोग निकल गए थे उस वक्त अपना जो कॉल ऑप्शन ले रखा था वो कॉल ऑप्शन से आपको पता पता ही है कि मैं निकल गया था प्रॉफिट अपना बना के लगभग तीन सो दो सौ पंचानबे काईस के आसपास में वो कॉल ऑप्शन चल रहा है तीन सौ ये तैतालीस छह सौ है ना 322 चल रहा, कर, अपना काम हो गया बात खत्म है और यहाँ पे देखिए अब कुछ लोगों को प्रॉफिट भी अच्छा नहीं लगता वो वो उंगली टेढ़ा करने में मगन रहते बिल्कुल पति देव की तरह नहीं पत्नी कितना ही अच्छा काम करे पति कभी जल्दी खुश ही नहीं रहता थैंक यू नहीं बोलता पत्नी को कभी बोलते हैं आप लोग अपनी पत्नी को थैंक यू बिना सैलरी के काम करती हो पूरे लाइफ घर में है ना एक कामवाली की तरह है ना खाना बनाना बच्चा संभालना सब कुछ है ना एक्स्ट्रा वर्क सब कुछ लेकिन कभी थैंक यू तो नहीं बोलते ना हम लोग सेम उसी तरह से मैं आप लोगों को फ्री में प्रॉफिट करवाता हूं है ना फ्री में <coughs> बिना हाँ इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि लॉस कर करके कहीं ना कहीं आते हैं जैकपॉट स्ट्रेटेजी ढूंढ ढूंढ के या फिर खाली ऑप्शन ट्रेडिंग कर करके लॉस माथा पीट के आते हैं कहीं ना कहीं से फिर सोचते हैं कि मेरा कोई रिकवर करा दे भाई ऐसा नहीं होता है ना <coughs> लॉस आपने किया है ऐसा कि अब आपको दूध और छाछ वाला कहानी होता है कि दूध का जला जो लोग छाछ को भी कूकूक के पिता टाइप कर जाता है आप लोग का खैर हम लोग का काम हो गया हम लोग का कैंडल बन गया होगा हिंडालको में चलते हैं हिंडालको में टेन की स्ट्रेटजी से आ गए हिंडालको 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 देखिए अब ये जो कैंडल है ना ये नौ पचपन से स्टार्ट हो गया दस बजे कंप्लीट हो गया अब इस कैंडल के ऊपर आपको पता है हमें बाय करना है क्लोजिंग बेसिस पर याद रखना है और नहीं जाता है और अगर ये नीचे आके क्लोज करता है तो हमें सेल करना है तो दोनों में से जो भी पहला काम होगा वो हो जाएगा ठीक है अगर ऊपर क्लोज करता है तो बाय नीचे क्लोज करता है तो सेल और स्टॉप लॉस उसी के अपोजिट रहेगा और टारगेट उसका डबल होगा ठीक है तो चलिए वेट करते हैं क्या कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है या नहीं करता है या, इसके नीचे क्लोज करता है, या नहीं करता है। वेट एंड वॉच समय अभी हो रहा है, दस बज के एक मिनट पचास सेकंड देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग मैं हूं आपका होस्ट आर के तो वेट एंड वॉच चलिए देखिए ये नीचे आ रहा है अगर ये नीचे क्लोज कर गया तो हम लोग फिर सेल साइड जाएंगे क्लोजिंग बेसिस पे और बिल्कुल इसके पास मैंने इसके हाई के ऊपर क्लोज करता है तो पैसे ऊपर लिया जा सकता है इसके नीचे क्लोज करता है तो पंद्रह तो भी लिया जा सकता है एग्जैक्ट मतलब ऐसा नहीं कि अब चार पॉइंट नीचे चला गया तीन पॉइंट नीचे चला गया तब भी लेंगे या चार पॉइंट ऊपर चला गया तीन पॉइंट तब भी लेंगे ऐसा नहीं हमें बिल्कुल इसके पास में लेना इसके हाई के पास में क्लोज करेगा तब लेंगे इसके लो के पास में क्लोज करेगा तब लेंगे आप लोग जो अगर वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं डेली ऐसे एक्सप्लेन भी करता जाता हूं तो अभी देखिए बस वेट एंड वॉच तो दोस्तों इसके नीचे ये आ गया है इसके नीचे ये देखिए निकल चुका है 400 इस कैंडल ने 955 से 10 बजे वाली कैंडल ने लो लगाया 494 50 और अभी चल रहा है 494 25 अभी ये कैंडल जब तक क्लोज नहीं करता है इसके नीचे तब तक एंट्री नहीं बनेगा है ना अब क्लोज करते करते हो सकता है यहाँ क्लोज कर जाए तब नहीं लेंगे हमें लेना है इसके बिल्कुल पास में है ना तो अभी हम वेट करेंगे क्या उसके नीचे अगर वो क्लोज कर जाता है उसके पास में ही क्लोज कर जाता है तो हम ज्यादा जा ज्यादा चार सौ चौरानबे पचास का लो लगाए हम चार सौ चौरानवे तीस पे ले सकते हैं पच्चीस पे ले सकते हैं उससे ज्यादा का हम इसको आ, रिबेट नहीं देंगे उतना ज्यादा लिबर्टी इसको नहीं देंगे तो अभी हम वेट करेंगे अभी टाइम लग सकता है हो सकता है वेट करेंगे और इसी कैंडल का देखिए ये इसके नीचे इसने लो लगाया है चार चौरानवे पचास इसका लो है चार सौ पचपन यानी कि पचपन तो क्लोजिंग नहीं किया ना चार क्लोजिंग कर गया चार सौ चौरानवे पैंसठ ये और ये चार सौ चौरानबे पचपन का अब क्लोज कर रहा है अब ये कैंडल क्लोज करेगा तब करेंगे नहीं करेगा क्लोज तो नहीं करेंगे आप देख रहे ये कैंडल है नौ पचपन से दस बजे वाले कैंडल तो इसके नीचे कैंडल अगर क्लोज करता तो हम इंट्री करते लेकिन ये कैंडल क्लोज नहीं किया अब हम वेट कर रहे दूसरा कैंडल क्लोज करने का इसके लो के नीचे तभी एंट्री करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे तो वेट करते देखिए फिर से ऊपर चला गया है ना क्लोज कर ही नहीं, नहीं रहा उस लाइन के नीचे चाहिए मुझे क्लोजिंग नहीं आएगा क्लोजिंग नहीं करेगा नहीं करेंगे दिके, अब देखिए ये धीरे 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 पूरा नीचे चला जाए तो हम नहीं करेंगे हम इतना नीचे आ जाएगा तो हम लिबर्टी पच्चीस तीस पैसे का दे सकते उससे ज्यादा कर नहीं देंगे चार सौ चौरानवे पचपन चार सौ चालीस पैतालीस ये सब ये सब जगह पर हम कर सकते हैं दस बीस तीस पैसे का लिबर्टी देंगे जितना कम से कम दे सके वो कोशिश करना है है ना अभी है तीन मिनट बचा है स्कैंडल को क्लोज करने में तब तक मैं अगर ये बहुत नीचे आ जाएगा तो हम नहीं करेंगे भैया वेट कर रहते हैं और तब तक देखिए और कोई स्टॉक्स वगैरह कुछ बढ़िया लग रहा है जे डब्ल्यू थोड़ा नीचे आ गया हाँ लगा है 210 कोई खास नहीं है कोटक बैंक ठीक ठाक है लेकिन इसके ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक नहीं सत्रह सो अड़तालीस सत्रह पचास के ऊपर ठीक रहेगा ऐसे तो खराब है देखिए मैं कोई पेड टिप्स नहीं देता पैसे लेके कॉल नहीं देता ना ही मैं कोई पैसे की डिमांड करता हूं तो अगर मेरे नाम वगैरह से कोई पैसे की डिमांड वगैरह आता है आपको कोई पैसा मांगता है आर के ट्रेडिंग के नाम पे तो बिल्कुल उसको कम्प्लेन करिए बिल्कुल उसके बारे में शिकायत करिए और मुझे कम से कम जरूर बताइए कि अगर कोई मेरे नाम से पैसा मांगता है तो क्योंकि भाई मैं बिल्कुल नहीं करता मैंने यहाँ पे भी लिख लिखा रखा है कि आप जो भी ट्रेड लेते हैं उसमें लाभ और नुकसान की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी क्योंकि मैं कोई पेड टिप्स नहीं देता हूँ ना ही मैं कोई पैसे की डिमांड करता हूँ

803 हो गया अडानी पोर्ट अडानी पोर्ट भी सही चल रहा है ना अडानी पोर्ट दिया था तो 805 का एक टारगेट मिलेगा मिल जाएगा चाहिए और आया हिंडाल को ये देखिए 493 70 अभी भी कैंडल क्लोज ने मतलब चल ही रहा है ये कैंडल क्लोज नहीं किया है वेट करते हैं इसके नीचे हम्म हम्म 49565 400 94 55 हम इसके पास अब ये क्लोज कर गया अब हम ऑर्डर लगाएंगे ऑर्डर लगाएंगे इसके बिल्कुल पास में चार सौ चौरानबे तीस से लेकर चार सौ चौरानबे पच्चीस सॉरी यहाँ पे ना चार सो चौरानवे चौरानवे पच्चीस हिंडाल को ये मेरा ये आया हिंडाल को और ये कर लिया सेल है ना ये कर लिया सेल और सेल कहाँ पे करेंगे ही रखता हूं उसको चार सो चौरानबे तीस और चार सौ चौरानबे पच्चीस सेल है ना तो इसको इसको कर देता हूं पच्चीस और ये कर देता हूं तीस <स्थाथ> ये ऑर्डर लगा दिया ये नौ पचपन से दस बजे वाली कैंडल ये है ये छोटा सा डोजी आप देख ये वाली ये इसी का लो के नीचे क्लोज कर चुका है ये है उसका हाई और ये है इसका लो इसके लो के नीचे ये कैंडल क्लोज, क्लोज किया तो हम बिल्कुल इसके लो के आसपास इस लेने की कोशिश करेंगे ऐसा नहीं कि इतना नीचे लेंगे नहीं फिर रिस्क बढ़ जाएगा ना स्टॉप लॉस ऑर्डर टिकर होने के बाद स्टॉप लॉस इस, इस कैंडल का ही हाई रहेगा ठीक है तो अभी देखते हैं हमें ऑर्डर मिलता है कि नहीं हम बिल्कुल पास में ही लेने की कोशिश करेंगे ऐसा नहीं कि कहीं पे तब पॉइंट नीचे नहीं लेंगे वो सब काम नहीं करना है हम लोगों को चिरकुट वाला काम नहीं करना है बिल्कुल संभल के है ना तो देखते हैं अभी मिलता है कि नहीं मिलता है दोस्तों समय हो गया है दस बज के अड़तीस मिनट और तीन सेकेंड देखिए अगर हिंडालको की बात करें चलिए इधर ही दिखाता हूँ तो ये हम लोग के ऑर्डर प्राइस पर नहीं आया है ये नीचे ही जा रहा है टारगेट की तरफ जो टारगेट है यहाँ टारगेट है वही टारगेट है ये जो लाइन लगा रखा है ना यही मेरा टारगेट होगा लेकिन ऑर्डर होने के बाद होता टारगेट अभी तो ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो जब ऑर्डर ही नहीं है तो फिर क्या फायदा टारगेट टारगेट का है तो दोस्तों समय हो गया है ग्यारह बज के आठ मिनट बत्तीस सेकेंड और अंततः देखिए इसने ऑर्डर दे दिया है हैंडालको ने जो ऑर्डर लगाया था इस जगह पे दे चुका है चार सौ चौरानबे रुपया पैंतीस पैसे के आसपास में हमारा ऑर्डर टिकर हुआ है और अभी देखते हैं तो हम यहाँ पे ऑर्डर मेन्सन अच्छा पहले स्टॉप लॉस ना तो स्टॉप लॉस चार सौ चौरानबे पचपन का लो था चार सौ चौरानबे पैंतीस पे अच्छी हमारा ऑर्डर टिकर हो गया इसी कैंडल का हाई चार सौ छियानवे रुपया पांच पैसा तो स्टॉप लॉस लगाएंगे चार सौ इसी कैंडल दस बजे वाली कैंडल का स्टॉप लॉस लगा लेंगे चार सो छियानबे रुपये पांच पैसा है तो हम यहाँ पे लगाते हैं बाइंग साइड में रुपए दस पंद्रह पैसा और चार सौ छियानबे रुपए दस पैसा ठीक उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे रख दिए तो स्टॉप लॉस लगा दिए और अब देखिए कितने पॉइंट का रिस्क बन गया तो चलते हैं हम इसका पहले रिस्क देख लेते हैं हमारा रिस्क बन गया है एक रुपए अस्सी पैसे का ठीक एक रुपया अस्सी पैसे का ये रिस्क बन रहा है हमारा और अब जो हमारा टारगेट बनेगा यहाँ से अगर हम देखते हैं तीन, तो तीन रुपया साठ पैसा पैसा यहाँ आता है तीन रुपया चार सौ नब्बे रुपया पचहत्तर पैसा ठीक है तो ये हमारा टारगेट पॉइंट है यहाँ पे लिख दिया मैंने टारगेट देखिए एकदम डिसिप्लिन ट्रेडिंग है ना अब ये हमारा वन का हो गया तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टारगेट और ये आ गया आपका टारगेट टारगेट हो गया ये टारगेट प्राइस है चार नब्बे रुपया पचहत्तर पैसा ओके चलिए ये हमारा टारगेट प्राइस होगा यहां पर आएगा और वो हमारा ऊपर स्टॉप लॉस है तो अब देखते हैं तो पहले इन, इन, इन ये सारा मेंटेन कर लेते हैं इसमें कि चार सो चौरानवे रुपया पैंतीस पैसे पे चल लो लगा था चार सौ चौरानवे हाँ चार्ण वही था ठीक है हमारा ऑर्डर टिगर हो गया तो चार्ण चार्ण, चार सौ चौरानवे पैंतीस पे दे दिया है और यहाँ पे हम लोग हिंडाल को इंट्री प्राइस है चार सौ रुपया पैतीस पैसा ट्रेड किया है बाईस सॉरी सेल साइड है ना सेल साइड है सेल साइड है स्टॉप लॉस जो ऊपर लगा दिया है चार सो छियानबे रुपये चार छियानवे रुपये दस पैसे का स्टॉप लॉस हो गया चार सो छियानबे दस पैसे उसी का हाई प्राइस उसी कैंडल का अब देखते वेट करते हैं कि हमें प्रॉफिट देता है या लॉस देता है यहां पर

टाइम बिताया ऑर्डर हो गया नीचे लग रहा था कि जाएगा नीचे नहीं ऊपर आया फिर से रिकवरी करके फिर से हमारा ऑर्डर दिया तो देखिए देखिए वेट करते हैं समय दोस्तों है मिनट और 25 हो रहा ये ऊपर जा रहा है यानी कि हमारे स्टॉप लॉस की तरफ में जा रहा है अस्सी रुपए का फिलहाल अभी लॉस देख रहे हैं अभी देखते हैं हम लोग वेट करते हैं कि क्या यहां से हो सकता है एक बार हमारे लॉस को क्लेम कर ले क्योंकि यहां से एक राउंडिंग बॉटम भी बना रहा है सेल हमेशा ऊपर से नीचे आते वक्त होता है नीचे से ऊपर जाते वक्त नहीं लेकिन चलिए ऑर्डर लगा हुआ था तो लगा हुआ था ऑर्डर ट्रिगर हो गया तो कोई बात नहीं वेट करते हैं हम लोग स्टॉप लॉस होगा वो भी स्वीकार है टारगेट आएगा वो भी स्वीकार है तो वेट एंड वॉच शायद नेटवर्क इश्यू हो रहा है दोस्तों ये मेरे ख्याल से ये स्टॉप लॉस कट जाना चाहिए नहीं चल रहा है। एक बार रिफ्रेश करके देख रहा हूं कुछ तो इश्यू दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे अलग दिखा रहा है हिंडाल को ये नेटवर्क इशू नहीं बोल के चार सौ पंचानबे छियानबे देखिये चार सौ छियानबे जरूर कट चुका है लेकिन इसके में इशु, इशु है, इस वाले में ना तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि चार सो छियानबे दस हमारा स्टॉप लॉस कट चुका है और कितना था सत्तर साठ क्वांटिटी ही पहले रखा था फिर दस और इंक, इंक्लूड कर दिया था उसमें तो मैंने ऑर्डर मॉडिफाई करके सत्तर का कर दिया था तो चारो चौरानबे पैतीस चार सौ दस चलिए तो हमारा स्टॉप लॉस कट गया है और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इस हिसाब से चार सो छियानबे दस माइनस चार सौ इंटू सत्तर तो एक सौ बाईस है ना देखिए एकदम एग्जिट प्राइस यही हुआ चार सो छियानबे दस एग्जिट प्राइस भी वही हुआ तो माइनस एक सौ बाईस है ना हो गया 122 चलिए 122 सो बाईस पचास माइनस एक सो ये हमारा हो गया तो आज इसमें हम लोगों ने क्या बुक किया लॉस ये कंप्लीट हो गया आपका ठीक है ये हो गया कंप्लीट तो आज हम लोग लॉस बुक करते हैं ठीक है तो हमारा डिसिप्लिन टेन एम का इसमें नहीं आया इस प्रशो में जब यहाँ पे दिखा रहा है ये स्टॉप इस लॉस इसलिए मैंने मेंटेन कर दिया इसको चलिए अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद